ओ माय गॉड कहीं सचमुच मेरे अबू का मर्डर तो नहीं कर दिया, कहीं सपना तो हकीकत तो नहीं था। ओ माय गॉड ये सब चीजें मेरे पास कहाँ से, ये सब चूड़ियाँ, ये लगता है मैं जो सपना देखता था वो सच है, वो हकीकत है, मुझे उतारना पड़ेगा सब। अरी और मेकअप का सामान कहीं छुपा देता। ये भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा था भगवान, भगवान कर ये सब सच ना हो, वो सच ना हो, बुरा सपना हो, बस बुरा सपना हो, कुछ वो मैं नहीं हो सकता, वो मैं नहीं हो सकता। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ये लीजिए मेरे हाथों की गर्मा गर्म चाय साहब, चाय पीजिए और फ्रेश हो जाइए। वैसे भी साहब आज बहुत लेट उठे हैं आप। कुमार क्या देख रहे हो? साहब वो लाल साड़ी वाली, उसके लिए भी मैंने चाय बनाई है। लाल साड़ी, तुमने उसे देखा? हाँ, इस गेस्ट हाउस में तो इसीलिए मुझे रखा गया है, कौन आता है कौन जाता है उसी के देखरेख के लिए। वैसे मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन इतनी सुबह चली गई? हाँ, वो रात को ही चली गई थी। अच्छा 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 अच्छा। हेलो, गुड मॉर्निंग मेरी। गुड नहीं, बैड मॉर्निंग है राहुल, बहुत बुरी खबर है। वो अपना कास्टिंग डायरेक्टर रघु था ना, रात किसी ने उसका मर्डर कर दिया। क्या, रघु का मर्डर? हाँ। लेकिन किसने किया, किसने? अभी इस बारे में कुछ भी पता नहीं हो सका है। बहुत बुरी तरह मारा है उसने रघु को, गले का खून पी लिया, किसी ने बहुत पुरानी दुश्मनी निकाली हो। पुलिस वहां पे पहले से ही पहुंच चुकी है, पुलिस ने ही फोन करके ये इन्फॉर्मेशन मुझे दी। ठीक है, मैं अभी आता हूं। ओके। क्या हुआ सर? वो अपना कास्टिंग डायरेक्टर रघु था ना? हाँ। उसका किसी ने मर्डर कर दिया। हे भगवान, मुझे जाना होगा। हमें लाश के पास कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले, हो सकता है वो कातिल के हों, लेकिन हमारे सामने प्रॉब्लम ये है कि अगर हम फिंगरप्रिंट्स मैच करें भी तो किसके साथ? अगर किसी पर शक हो तो उसके साथ फिंगरप्रिंट्स मैच भी हो सकते हैं। आपको किसी पर शक है क्या? नहीं, मुझे किसी पर शक नहीं है, और शक होता तो मैं उसका नाम पहले ही आपको बता देती। साहब, ये इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है रामदीन चौबे। इसका कहना है कि कल रात इसने कातिल को देखा था। तो तुम हो सिक्योरिटी गार्ड? जी साहब। किसको आते जाते देखा तुमने? एक लड़की आई थी साहब। कौन लड़की? ये तो साहब मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ वो लाल साड़ी पहने हुई थी और मेकअप भी खूब किया था उसने। मैं उसका चेहरा साहब ठीक से नहीं देख पाया क्योंकि वो चेहरा छिपा कर चल रही थी। अच्छा, अगर फिर से तुम उस लड़की को देखोगे तो पहचान लोगे? अब एकदम विश्वास के साथ तो साहब नहीं कह सकता, लेकिन हाँ अगर मैंने दोबारा उसे लाल साड़ी में देखा तो फौरन पहचान जाऊंगा। ठीक है, अभी तुम जा सकते हो। ठीक है साहब। हवलदार, तुम फौरन से इसका पंचनामा तैयार करो और तुम जल्दी से इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी साहब।
रघु साहब का तो राम नाम सत्य हो गया, लेकिन उन्हें किसने मारा होगा? कहीं उसी लड़की की आत्मा ने तो? नहीं, नहीं। राहुल साहब भी नहीं आए, शायद उन्हीं से कुछ पता चले। दरवाजा बंद कैसे हुआ? किसने बंद किया? कौन है? अरे दरवाजा किसने बंद किया? मेरा भी दिमाग ना राइटर की तरह भूत से हैंगओवर है। कोई नहीं है। अरे कौन है? कौन है? कौन है? इधर से कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? बचाओ! कोई मुझे बचाओ! बचाओ! कोई है? बचाओ! इस कमरे से आवाज आ रही, किसी लड़की की आवाज आ रही। कुमार तेरे कोई संकट आने वाला है। ये संकट मुझे रक्षा करना, रक्षा करना संकट मुझे। कुमार जी 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 सर, तुम मेरे साथ अभी गेस्ट हाउस के अंदर आओ, जल्दी गेस्ट हाउस के अंदर। और क्यों सर? मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, जल्दी जल्दी सर। सुनिए सर, कुमार ताला खोल। क्यों सर? मैं एक बार इस कमरे की तलाशी लेना चाहता हूँ। खोलो। नहीं सर, मैं ये ताला नहीं खोल सकता, मैं नहीं खोलूंगा सर। कुमार जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे करो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत मयूरी से करूंगा। करो साहब, आप मेरी शिकायत किसी से भी कीजिए, लेकिन मैं ये ताला नहीं खोलूंगा। कुमार साहब, मुझे अपनी नौकरी की परवाह नहीं है, मैं आपसे भी विनती करता हूँ, आप जितना जल्दी हो यहाँ से चले जाइए। अरे कहानी आप कभी भी लिख सकते हैं साहब, लेकिन जिंदगी एक बार चली गई ना साहब, दोबारा नहीं मिलेगी। आगे आपकी मर्जी, मैं जाता हूँ। ठीक है, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो अब ये दरवाजा मैं खोलूंगा, क्योंकि मेरे लिए पूरा राज जानना बहुत जरूरी हो गया। कभी ये कमरा मुझे साफ दिखाई देता है, कभी इस तरह फैला हुआ। ये तो किसी लड़की का इयररिंग है। लड़की का इयररिंग यहां, इसका मतलब डायरेक्टर, कैमरामैन और कास्टिंग डायरेक्टर के साथ यहाँ कोई लड़की भी थी, लेकिन कुमार ने मुझे कुछ नहीं बताया इसके बारे में। लेडीज सैंडल, लेकिन इसका दूसरा सैंडल कहाँ है? कुछ तो गड़बड़ है इस कमरे में, जो बार बार मुझे यही कमरा दिखाई देता है। कुछ तो गड़बड़ है। लकी पेन इस कमरे में कैसे पहुंचा? लैला मल्होत्रा।
लैला मालूम था, मुझे लगा कि लगता है किसी और लैला से भी आपकी जान पहचान है। आपने फोन किया मुझे? जी मैं एक एक्ट्रेस हूँ और मैंने सुना है कि आपके हॉरर शो का सेकंड सीजन शुरू होने वाला है। हाँ, होने वाला है। क्या मुझे एक एपिसोड में आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा? देखिए ना, मैं मुंबई में नई हूँ और रेंट के लिए पैसे भी नहीं है मेरे पास। मुझे ना काम की सख्त जरूरत है, अगर आपकी मदद मिल जाए तो। बिल्कुल भाई, हम जैसे लोग यहाँ इंडस्ट्री में मदद करने के लिए तो है। लेकिन क्या सर? देखिए, छोटी सी बात है कि मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, लेकिन बदले में आप क्या? आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। कोई बात ही नहीं, गुड, वेरी गुड। तो एक काम करें, आप आज रात मिलें। मैं अभी खुद यही सोच रही थी। ठीक है, तो मेरे घर आ जाओ। अच्छा, घर तो मैं कुछ तुम्हारे फोटोग्राफ्स निकाल दूंगा। थैंक यू सर। कौन? कौन हो तुम? लैला मल्होत्रा। अरे राइटर राहुल, 100% तुम तो राहुल भट्ट हो। क्या हुलिया बना रखा है यार, अरे क्या मजा आ गया। पहले रात को फोन कर देते और फिर सीधे घर में क्यों? मैं राहुल नहीं हूँ फ्रांसिस। फिर मत, मैं राहुल नहीं हूँ। ये लड़की की आवाज में क्यों बात कर रहे? क्योंकि मैं लैला हूँ। लैला सहादा। लैला सहनी? हाँ, वही लैला सहनी जिसको तुमने गेस्ट हाउस में मार दिया और उसे दफना दिया। आज तू मरेगा, आज तू मरेगा। मसाले आज कल किसी लड़की को दिने ऐसा नहीं देखूंगा। मैं सबसे राखी बनवाऊंगा। दरवाजा खोल फ्रांसिस, दरवाजा खोल। तुझे आज कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। नहीं, मुझे मालूम है मैं मदद गलत किया, लेकिन मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। मैं कह सकता हूँ मैं किसी लड़की को नहीं देखूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं तुझे किसी हालत में माफ नहीं करूंगी, किसी हालत में नहीं। भगवान बाबा जी। भगवान बाबा जी हो गया। अब मैं नहीं मरूंगा। नहीं फ्रांसिस, नहीं, उस पर रहम नहीं कर सकती मैं। ये तो मेरा माया जाल था फ्रांसिस। जब मैं चीखी थी, चिल्लाई थी, तूने मुझ पर रहम किया? नहीं किया ना, तो मैं क्यों करूं? हाँ।
रहना बहुत खतरनाक है, मैं नहीं रह सकता। मैं कल ही मयूरी मैम साहब से मिलता हूँ। इस गेस्ट हाउस की देखरेख अब मैं नहीं कर सकता, मुझे कोई भी काम दे दो, अब मैं एक मिनट भी यहाँ नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता। लगता है राहुल साहब ने फिर उसी लाल साड़ी वाली को बुलाया है, देखता हूं कौन है। अरे राहुल साहब, आप इस रूप में? राहुल नहीं, मैं लैला हूँ कुमार। लैला? लैला? लैला साहनी, जिसका इस गेस्ट हाउस में मर्डर हुआ था। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। तूने गुनाह को छुपाया, ये सबसे बड़ा गुनाह होता है कुमार। तूने उन दरिंदों की मदद की, मुझे दफनाने में मदद की, उन दरिंदों की बहुत मदद की तूने। राज को राज रखने के लिए पैसे खाए, बोलो खाए के नहीं, खाए के नहीं। खाया था। हेलो हेलो मिस्टर योगी। यस, मैं राहुल बोल रहा हूँ। राहुल भट्ट। मिस्टर राहुल, कैसे हो? एक गुड न्यूज़ देनी थी आपको। अच्छी खबर? क्या? स्टोरी कंप्लीट हो गई है, बस एक एंड मर्डर बाकी है। तो मैंने सोचा मयूरी से पहले ये स्टोरी तुम्हें चलूँ, और वैसे भी हमारे इंडस्ट्री में डायरेक्टर को कैप्टन ऑफ द शिप यूं थोड़ी ना बोलते हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर राहुल। और मैं स्टोरी का एंड भी तुमसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मर्डर के कई अलग अलग तरीके हैं मेरे माइंड में, तुम आ जाओगे तो वो लास्ट मर्डर भी हो जाएगा। कहीं तुम मेरे मर्डर की प्लानिंग तो नहीं कर रहे हो? वो क्या है ना कि मेरे स्क्रिप्ट में लास्ट मर्डर डायरेक्टर का ही होता है, तो मैंने सोचा कि वो प्लानिंग भी तुम्हारे साथ बैठकर ही बेटर बनेगी। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। और हाँ, और आज रात मैंने गेस्ट हाउस में कुछ मौज मस्ती का इंतजाम भी किया। मतलब? अरे भाई, लड़की का इंतजाम। आज डायरेक्टर का मर्डर होने के बाद कहानी खत्म हो जाएगी, तो सेलिब्रेशन तो बनता है ना। क्यों नहीं, व्हाई नॉट। तो तुम पहुंच रहे हो ना? या बस आधे घंटे में पहुंचता हूँ। मैं भी तो देखूं कि आखिर ये डायरेक्टर का मर्डर होता कैसे है। गुड, तुम यहाँ आ जाओगे तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। ओके, सी यू। इसका मर्डर भी बिल्कुल वैसे ही हुआ है जैसे कास्टिंग डायरेक्टर रघु का हुआ था। मतलब उस लाल साड़ी वाली लड़की ने इसका भी मर्डर कर दिया? लगता तो ऐसा ही है। अगर कातिल ने रात को दरवाजा खुला ना छोड़ दिया होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे फ्रांसिस का मर्डर हो गया। सर, इसके फोन पर लास्ट कॉल उसी फोन चाहिए जिस फोन पे मिस्टर रघु के खून होने से पहले आई थी। दिखाओ। मैं इस ग्रुप के प्रोड्यूसर मयूर चड्डा को फोन करता हूँ, उसे जरूर इस बारे में कुछ पता होगा। लो। का फोन हो सकता है? हेलो, मिस मयूरी चड्डा, इंस्पेक्टर कदम बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर, इतने रात को? मिस मयूरी, आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है। बुरी खबर? आपके कैमरामैन फ्रांसिस का मर्डर हो गया। क्या? फ्रांसिस का मर्डर? जी हाँ, अभी अभी उसका कत्ल हुआ है, हम उसी कत्ल की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये तो बहुत बुरी खबर है। कुछ पता चला कि कातिल कौन है? जी नहीं, कुछ खास पता तो नहीं चला, लेकिन हमें फ्रांसिस के सेल से एक लैंडलाइन नंबर मिला है
जो कल हमें रघु के सेल से भी मिला था। इस लैंडलाइन नंबर से दोनों के सेल पे लास्ट कॉल की गई थी। क्या आप वो नंबर मुझे बता सकते हैं प्लीज? जी 6452092 9। ये तो मेरा नंबर है, मतलब कि मेरे जादू टोना गेस्ट हाउस का लैंडलाइन नंबर है। आपके जादू टोना गेस्ट हाउस का नंबर? जी। इसका मतलब कातिल अभी भी वहीं होगा। मिस मयूरी, अगर आप भी हमारे साथ आ जाए तो बहुत बेहतर होगा। अरे हाँ, why not? मैं खुद जानना चाहती हूँ कि कातिल कौन और वो ये सब कत्ल क्यों कर रहा है। मैं 10 मिनट में फ्रांसिस के फ्लैट पे पहुँच लूँ और फिर वहाँ से आपके साथ गेस्ट हाउस निकल पड़ूंगी। जी मैं आपका वेट कर रहा हूँ। कातिल इससे पहले किसी को और को शिकार बना ले, आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। नहीं, मैं बस पहुँच रही हूँ इंस्पेक्टर साहब। जादू टोना गेस्ट हाउस। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दे दी। अगर तुमने मेरी चीखें सुनी होती, मेरी मदद की होती, तो इस तरह तुम्हारी मौत नहीं होती। आ जाओ मिस्टर योगी, तुम्हारा ही इंतजार है। अब तुम्हारी मौत से ही इस कहानी का अंत होगा। इस बार राहुल भट्ट ने भी बड़ी अजीब कहानी लिखी है। पहली बार सुनने में तो लगता है जैसे हमारी और लैला की कहानी हो। चलो आज बाकी कहानी सुनकर पता लग जाएगा कि ये हमारी कहानी से कितनी मिलती है। और वैसे भी उसने डायरेक्टर का मर्डर कैसे प्लान किया है ये भी तो देखना है। ये तो वही जगह है ना जहां हमने लैला को दफन किया था। बड़ी खूबसूरत लड़की थी, अगर आज जिंदा होती तो हमारे सीरियल में काम कर रही होती। काश उसने हंगामा नहीं किया होता। मे गॉड ब्लेस हर। राइटर राहुल को फोन करती हूँ जो आजकल कहानी लिखने के लिए गेस्ट हाउस में गया हुआ है। शायद उससे कुछ पता चले कि वहाँ पर लैंडलाइन कौन यूज कर रहा है। ठीक है, तुम उसे कॉल करो। आज तुम्हारे डायरेक्टर को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता मयूरी, कोई नहीं। उसे मरना होगा। क्या हुआ? काट दिया। इससे पहले उसने कभी मेरा फोन नहीं काटा। क्या कुछ खड़बड़ है? राइडर के अलावा कोई और भी वहाँ पे मौजूद है क्या? हाँ, मेरा केटे का कुमार भी है वहाँ पर। तो उसे फोन करो। हाँ हाँ। ओहो, प्रोड्यूसर मयूर चड्डा का फोन यहाँ भी? तुम्हारा फोन रिसीव करने के लिए तुम्हारा केयर टेकर इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है। क्या हुआ? उसने भी फोन काट दिया। माय गॉड, इसका मतलब वाकई में बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये फोन तुम्हारा केयर टेकर और राइटर नहीं काट रहे, ये फोन कातिल काट रहा है। इसका मतलब कातिल ने जरूर वहां पे किसी को मार डाला होगा। भगवान, लाइन तो ठीक बोली है राहुल ने। कहानी के एंड में डायरेक्टर का मर्डर, और डायरेक्टर के बिना भला डायरेक्टर का मर्डर कैसे होगा? अरे वाह, राहुल, राहुल कहाँ हो तुम भाई? कुमार, राहुल,
राहुल, राहुल, राहुल। अरे वाह, क्या बात है, यहाँ तो लड़की बैठी है। राहुल ने भी एंटरटेनमेंट का फुल बंदोबस्त कर रखा है। हेलो स्वीट हार्ट, क्या बात है डार्लिंग, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ठीक है, हम ही आपके पास आ जाते हैं, वैसे इतने बुरे भी नहीं है हम। स्वीट हार्ट, राहुल तुम और ये तुमने क्या रूप बना रखा है? अच्छा मजाक कर लेते हो यार, और इतनी रात को एंटरटेनमेंट का तुमने ये बंदोबस्त कर रखा है। वैसे कुछ भी कहो, तुम लग सेक्सी रही हो। हाँ यार, तुम्हें राइटर नहीं एक्टर होना चाहिए था। मैं एक्टर ही हूँ मिस्टर योगी। क्या बात है राहुल, तुम आवाज बदल कर भी बात कर लेते हो। मैं राहुल नहीं, लैला हूँ, लैला साहनी। मजाक कर रहे हो ना तुम? कुमार कहाँ है? कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहा। कुमार बाहर हॉल में उसकी लाश पड़ी हुई है, और आज रात फ्रांसिस भी मारा गया। अब सिर्फ तुम्हें कत्ल करना बाकी है मिस्टर योगी। ये शरीर राहुल का है, लेकिन इसमें आत्मा मेरी है। इसका मतलब उस दिन राहुल जो कहानी सुना रहा था वो कहानी नहीं थी, वो हकीकत थी, सच्चाई थी। हाँ वो सच्चाई थी। वो मैंने कहा था ना, तुम्हारे बिना मेरी कहानी का अंत नहीं होने वाला, क्योंकि कहानी में सिर्फ डायरेक्टर का मर्डर होना बाकी है। इस समय मैं तुम्हारे साथ ही तुम्हारे मर्डर का प्लान डिस्कस कर रही हूं, है ना कहानी इंटरेस्टिंग? कहानी ओरिजिनल है तो मरने वाला डायरेक्टर भी ओरिजिनल ही होगा ना। हाँ अब मरने के लिए तैयार हो जा, ताकि कहानी का एंड लिखा जा सके। मरेगा तू। कुमार की लाश, कुमार को मार दिया। डर गया? कुमार को मार दिया। ये लाश देख के डर गया? और तब मेरी लाश देखकर नहीं डरा था तू? अब तू भी मरेगा, मरेगा तू। मैंने कहा रुक जाओ, छोड़ो इसे, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। राहुल ये क्या रूप बना रखा है तुमने अपना, और ये सब मर्डर तुम कर रहे हो? तुमने ही फ्रांसिस और राहुल को मारा। कौन है ये? ये हमारे राइटर हैं, राहुल भट्ट। कहानी लिखने आया था यहाँ। कहानी लिखने आया था और विलेन का कैरेक्टर खुद ही प्ले करने लगा? हे भगवान, ये तो कोई नरपिशाच मालूम हो रहा है, खून पीने वाला नरपिशाच। ये शरीर सब राहुल भट्ट का, लेकिन इसमें आत्मा। हाँ बोल योगी बोल, बता सबको किसकी आत्मा है इस शरीर में, किसकी आत्मा है बोल। रुक जाओ वरना मैं गोली चला दूंगा। भाग जाओ नहीं तो तुम लोग भी मारे जाओगे। मैं राहुल भट्ट नहीं, लैला साहनी की आत्मा हूँ। मुझे फ्रांसिस, रघु और योगी ने इसी गेस्ट हाउस में मार डाला था, इसलिए सबके सब मारे गए। अब इसकी बारी है, इसको मारकर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। बताएं इन सबको जो मैं बोल रही हूँ वो सच है या नहीं, जल्दी बोल। ये सच बोल रही है, हम तीनों ने मिलके लैला साहनी का मर्डर किया था। बता कैसे हुआ ये सब कुछ, कौन थी ये लैला साहनी
अपनी जुबान से सब कुछ बता, जल्दी बताता हूँ। लैला सैनी की एक्ट्रेस थी, वो घर से भागकर वो फिल्मों में एक्टिंग करने आई थी। वो यहाँ आकर रघु को मिली। रघु हमारे पास ऑडिशन के लिए लड़कियां भेजता था, मेरे और फ्रांसिस के पास। आराम उन्हें इस बंगले में ऑडिशन के बहाने बुलाकर मनचाहा व्यवहार करते थे। बहुत समझाने की कोशिश की, उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन 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 वो नहीं मानी। फिर हम तीनों ने मिलकर उसका रेप कर दिया। मैडम, इस गेस्ट हाउस में जो भी लड़की आती है नहीं बच सकती है। मगर ये लैला सानी का मर्डर हुआ कैसे? अपनी जुबान से सब कुछ बता, जल्दी मुझे। तू हमारा नाम खराब करेगी। दो कोड़ी की एक्ट्रेस कल आई है, योगी 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 का नाम खराब करेगी। और कुमार भी इस पूरी साजिश में हमारे साथ शामिल था। ये तो मर गई यार। अगर अगर पुलिस को पता चल गया तो हम सब लोग मारे जाएंगे यार। पुलिस को कैसे पता लगेगा? हाँ तुम लोग भूल गए, ये मुंबई में अकेली है। अगर कोई FIR लिखाएगा तो पुलिस को पता लगेगा ना। बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये घर से भाग कर आई है। लेकिन इसकी डेड बॉडी, उसका क्या करेंगे? लो, किस्सा ही खत्म हो गया। लैला सानी कहां से आई और कहां चली गई किसी को पता ही नहीं चलेगा। कुमार ये लो, तुमने हमारी बहुत मदद की, लेकिन ये राज हमेशा राज ही रहना चाहिए, समझे? Oh my God! तुम लोग मेरे गेस्ट हाउस में ये सब कर रहे थे और मुझे मालूम भी नहीं था। तुम तो इंसान के रूप में जानवर निकले, जानवर। इसका मतलब लैला सानी की लाश अभी भी इस कंपाउंड में है। ये सोच रहे थे कि लैला की फैमिली नहीं है तो लैला की मौत का राज किसी को पता नहीं चलेगा, इसीलिए मैं अपनी मौत का बदला लेने इस दुनिया में आ गई। जब तक इस शैतान को मार नहीं देती मेरी आत्मा भटकती रहेगी। क्या आप लोगों को लगता है कि इन शैतानों को मारकर मैंने गलत किया? सच तो यह है कि मैंने भूत होकर वही किया जो एक कानून करता है। रुक जाओ लैला, इसके किए की सजा कानून देगा। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मेरा बदला पूरा हुआ, अब मैं शांति से अपनी दुनिया में जा सकती हूँ। एक और बात इंस्पेक्टर साहब, राहुल बिल्कुल निर्दोष है, उसको मेरे किए की सजा नहीं मिलनी चाहिए। योगी को नहीं मारा। मैं कुछ नहीं जानता। मैं ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं राहुल भट्ट हूँ। आई नो राहुल, ये खून तुमने नहीं किया। तुम एक काम करो, जाके ये पहले ड्रेस चेंज करके आओ, और हाँ ये मुंह पे जो खून लगा इसे भी साफ करके आओ। कॉन्स्टेबल जी, तुमने कुछ देखा? नो सर,
गुड। और मैम आपने? नहीं इंस्पेक्टर, मैंने भी कुछ नहीं देखा। वेरी गुड। अब हमें इन दोनों मर्डरों की इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। मुझे लगता है इन दोनों का मर्डर भी उसी लड़की ने किया है जिसने फ्रांसिस और रघु का मर्डर किया। यानी सर वो लाल साड़ी वाली लड़की? करेक्ट, वही लड़की। लेकिन सर वो लड़की है कौन? यही तो हमें पता लगाना है। तुम एक काम करो, जल्दी से इन दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर। लेकिन मिस्टर राहुल, इस जादू टोना गेस्ट हाउस में आके सचमुच काला साया सीजन 2 के लिए आपको एक सुपर स्टोरी मिल चुकी है। Am I right?